हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं निदा अली, जैसे कि आप सब जानते हैं। और आज काबिंदा के दांत में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, इससे बोला भी नहीं जा रहा है। ये देखें। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं काबिंदा अली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, आप सबकी दुआ से मैं भी ठीक हूँ। इसी के साथ शुरू करते हैं अपना आज का न्यू ब्लॉग। प्लीज फ्रेंड्स, एंजॉय फन विद काबिंदा चैनल। सो गाइस, ताबिंदा से तो बोला नहीं जा रहा है, लेकिन आज का हमारा प्लान कुछ इस तरह है। हम बाहर जा रहे हैं क्योंकि आज तैयब की तबीयत ठीक हुई है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और आज इसने शावर लिया है। इसको चिकन पॉप्स हो गए थे, तो चार पांच दिन से इसकी तबीयत ठीक नहीं थी तैयब की। बस हम लोग, मैं, ताबिंदा, आंचल, हम लोग जाएंगे बाहर, मतलब ऐसे डिनर वगैरह पे, आउटिंग पे, और देखते हैं क्या होता है। क्योंकि ताबिंदा, तुम अभी डॉक्टर पे जा रही हो? जी हाँ, मैं डॉक्टर पे जा रही हूँ। ताबिंदा डॉक्टर पे जा रही है, इसके दांत में बहुत दर्द है, लगता है तेरी जाड़ निकलेगी। अकल दाड़ निकलेगी, तेरी अकल दाड़ निकलेगी। जाड़ कहते हैं दाड़ पता नहीं क्या कुछ कहते हैं, जो कहते हैं। तो अभी आंचल और महक आपी आ रहे हैं यहाँ पे, तो जैसे ही आएंगे ताबिंदा को लेके डॉक्टर पे जाएगी महक आपी। मैं और आंचल रेडी होंगे, फिर उसके बाद ताबिंदा आएगी, ताबिंदा भी रेडी होगी। तो आज का कुछ ऐसा ही है, मतलब देखते हैं कहाँ जाते हैं, भी कुछ डिसाइड भी नहीं है। बस ऐसे आउटिंग का दिल किया, तो सब सिस्टर्स ने मिल के कहा कि चलो चलो चलते हैं, कहीं चलते हैं। अभी देखते हैं, कुछ पता नहीं है कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं जाते हैं, तो कन्फर्म मैं नहीं कर सकती, लेकिन जहाँ भी जाएंगे आपको अपने साथ लेके चलेंगे। सो गाइज, मेरी जान को देखो कितना कमजोर हो गया, कितना वीक हो गया है। अभी रोजे रखेगा और अच्छी अच्छी नाते, अच्छे अच्छे कसीदे, अच्छे अच्छे नोहे पढ़ेगा, है ना, इंशाल्लाह। मेरे दांत में दर्द है, मैं फिर भी देखो क्या करूँगी। तो ये रूम की सफाई तो करवानी थी ना। ताबिंदा तुम चली जाओ, फिर लेट हो जाएगा। गाइज, आज मैं दो दफा गिरती गिरती बची। तो गाइस, आज को रूम की सफाई करवानी थी, वो महक बाप भी आ गई है। तो ये चाय, माय फेवरेट केक। तो घर की हालत देखो, ताबिंदा मुझे बार बार बुला रही है, इधर व्लॉग बनाओ, व्लॉग बनाओ। ये देखो, उई जी हाँ गाइस, ये देखो बेड के नीचे क्या हाल है। ये आंचल का बेडरूम है और ये उसका हाल है। और आंचल अपने रूम की कैसे सफाई करवाती है, बहुत अच्छी सफाई करवाती है, बहुत अच्छी। सो गाइज, अभी चाय आई है, साथ में मैं सुपर खा रही हूँ। आंचल आ चुकी है, सलाम करो। नहीं तो आपको चाहिए ना तमीज से लेटना, ये व्लॉग में बेटा आएगा, अब मैं व्लॉग ही बनाऊंगी। जाओ तो आबिंदा, कसम से तो मैं करवा रही हूँ, तुम जाओ। तो फ्रेंड, मैं निकल गई हूँ मेरे दांत के दर्द के लिए, डॉक्टर जा रही हूँ, पता नहीं कौन सा अच्छा डेंटल हो। मेरे साथ अम्मी भी हैं, अम्मी हाय, अम्मी भी हैं, अम्मी भी मुझे लेके जा रही हैं। कह रही मैंने डॉक्टर देखा, वह अच्छा डॉक्टर है, डेंटिस्ट आ गए आज के डॉक्टर पे, क्लिनिक है छोटा सा, पता नहीं ये डेंटिस्ट नहीं है। डॉक्टर साहब ने मेरा चीमू चेक किया, वो कह रहे हैं कुछ नहीं है, वो मेडिसिन अभी मुझे इतनी ज्यादा नहीं लिख के देना डॉक्टर। तुम्हारा फरमाइशी प्रोग्राम चल रहा है क्या? फ्रेंड, ये डॉक्टर बहुत मजाकिया थे। अभी बस मैंने दवाई ले ली है, बाहर जाने। सफाई हो चुकी है बेडरूम के, आंचल के, और यहाँ की भी सफाई हो गई है। ताबिंदा वाले डॉक्टर से आ भी गए, पता नहीं से डॉक्टर पे जाके क्या किया है। अभी आंचल बस शावर लेकर निकली है। सो गाइज, मैं रेडी होने लगी हूँ, रेडी होके बताती हूँ कहाँ जाते हैं क्या करते हैं। अभी तो कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ, अभी बस ये डिसाइड हुआ कि सिस्टर के घर पे जाना है, और कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ। सो गाइज, हम बहुत जल्दी में निकले हैं क्योंकि सिस्टर कह रही है या तो फिर आ जाओ या तो फिर नहीं आओ, क्योंकि हम बहुत लेट हो चुके हैं। उसने 10 बजे की बोला था और 11 बज चुके हैं। हम लोगों ने 11 बजे आ दिए, उस बेचारी ने हमें इफ्तार होने से पहले का बोला हुआ था। हाँ।
तो बस अभी हम लोग जल्दी जा रहे हैं। सो गाइस, बारिश हो रही है, आंचल की जुबान पे क्या फुहार हो गई है इतने, आंचल पंजाबी बोल रही है, कसम से बिल्कुल सूट नहीं कर रहा है, कसम से मुझे आती भी नहीं है। कराची में भी बारिश हुई है, पहले रमजान होंगे जिनमें बारिश हुई, आई थिंक। मैंने तो कभी नहीं देखा रमजान में बारिश हुई है, तुमने देखा है आंचल? मैंने नहीं देखा कभी लाइफ में। हाँ, बकरा ईद पर होती है, लेकिन मैंने रमजान में फर्स्ट टाइम देखा है बारिश हुई है, ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। गाइस, इतनी तेज बारिश होगी, अब पता नहीं निकलना हो भी नहीं निकलना हो, क्योंकि हमारे जीजू का कुछ पता नहीं, वो नहीं भी निकलते हैं, वो हमें बुला के अपने पास बिठा लेंगे। आंचल, अगर ऐसा हो गया तो मैं इतनी रेडी हुई हूँ। क्या रेडी हुई? नॉर्मली हो, कैजुअल हो, नॉर्मली भी तो कैजुअल रेडी हो, लेकिन फिर भी भाई हमारा कुछ पता नहीं है क्या प्लान हो जाए। गाइस, बारिश बहुत तेज हो रही है, ये क्या हो गया हमारे साथ यार, ये क्या हो गया हमारे साथ? इतना लेट आया, मुझसे बोला नहीं जा रहा है, मेरी कोई भी बात नहीं सुननी, नहीं वही भी नहीं सुनेंगे। अरे देखो क्या रहा है, आंचल फ्लेक्स पे तो चली जा अकेली, मेरे ख्याल से हम जीजू के घर पे बारिश में नहा रहे होंगे सेरी से पहले यार। ऐसे नहीं हो रहा है यार, ये फर्स्ट मतलब पहले रमजान है जिनमें मैं इतनी तेज बारिश देख रही हूँ। स्लो हुई बस, अभी बंद हो जाओ। तो अभी हम चलते हैं, देखते हैं क्या प्लान है क्या नहीं है, क्योंकि बारिश हो रही है, सिस्टर का कुछ पता नहीं है, जीजू का कुछ नहीं पता, वो निकलते भी नहीं निकलते, अब तो हमें डर लगने लग गया है, मैं डर गई। सो गाइस, हम लोग आ गए हैं, और जैसा मैंने आपको बताया था जीजू के बारे में, उसका प्लान कुछ इस तरह ही चेंज हो रहा है, क्योंकि वो कह रहा बारिश हो रही है, तो गार्ड्स वगैरह कहाँ बैठेंगे गाड़ी में। तो अभी बस हम अपने रूम में आए हैं, जो हमारा यहाँ पे रिवायती रूम है, और बहुत मजा आया कसम से यार। हाँ, मैं बस बाल स्ट्रेट कर रही हूँ, पता नहीं अभी क्या प्लान बनता है क्या नहीं बनता है, कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। स्ट्रेटनर रात को हम लगा के गए थे ना, स्ट्रेटनर था। हाँ, तो दवाई खा के तो सो जाओ। अरे यार, स्ट्रेटनर नहीं मिल रही ये। सो यार, मैं सोच रही स्ट्रेट करके क्या करूँ, बारिश हो रही है, एक ब्लॉगर का हाल दिखाऊंगा इसको, ये देखें गाइस, और ये देखें, ये देखें, ये तैयार हो रही हैं बीबी, इनको बीबी कहाँ जाना है, फ्लिक्स पे जाना है, फ्लिक्स लगा और भूल जा, फ्लिक्स लगा और भूल जा, फ्लिक्स पे जाना है। चल थोड़े से मैं भी कर लूंगी, क्या फायदा, क्यों, मैं घर में तुम्हें पता है ज्यादा एक्टिव हो जाती हूँ, मेरा जितना मूड ही नहीं था, मैंने बस नॉर्मल सलवार कमीज न्यू निकाल कर पहना है, तो न्यू पहना है, लेकिन सलवार कमीज हमारा तो फिर पुराना सूट पहना है, तो हमारा भी कैजुअल है, हमने कौन सा कैजुअल है, और आपके सूट पहने क्या हुआ, गर्म थी, हाँ जी हाँ। ये होता है जल्दबाजी का काम किसका है, आप किस बात की जल्दबाजी, जल्दी पेस्ट लगा लो। बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ है, और अभी हमारा कहीं भी जाने का प्लान नहीं है, अभी बस हम आपस में जीजू के और सिस्टर के साथ बैठेंगे, लड्डू वगैरह खेलेंगे और क्या करेंगे। सो गाइस, हम लोगों ने चेंज कर लिया, मैंने और आंचल ने, ताबिंदा ने तो नहीं किया क्योंकि इसका चेंज ही हो गया था, क्योंकि मुझे तो पता ही था, क्योंकि हमारा प्लान ही कैंसिल हो गया बाहर जाने का, तो अभी बस हम सीधा घर पे जाएंगे, और यहाँ पे अभी शेयरी भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारे रिलेटिव्स में मतलब किसी को मतलब इमरजेंसी हो गई, तो वो ICU में है, तो उसकी वजह से हमें कुछ भी नहीं कर पाए, तो बस अभी फैमिली भी आधी उधर चली गई है, और बारिश हॉस्पिटल में, और बारिश की वजह से भी हमारा काफी प्लान कैंसिल हो गया, क्योंकि मैंने आपको बताया था जीजू नहीं निकलेंगे, और वही हुआ, जीजू नहीं निकले, वो बारिश में डर जाती थी। वो पागल देखेगा, देखने तो कोई बात नहीं है। गाइस, आपको ये हमारा व्लॉग अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर, और अगर नहीं लगा है तो नहीं कीजिए, अच्छा क्या बोलने का तरीका है। सो गाइस, हम यहीं पे अपना ब्लॉग एंड कर रहे हैं, और क्या कहूँ, कुछ भी नहीं हुआ, बस ये है कि रमजान, बस ये है कि रमजान में बारिश हुई, हमने आपको ये दिखाया।
वाह निदा वाह। चलें खैर, आपको अगर ये वाला हमारा ब्लॉग अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन करें और बेल आइकन हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन करना मत भूलिएगा। अल्लाह।